हाय गाइस, मैं शांत हूं, आप देख रहे हैं क्रेडिशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि MIUI 12.5 का कुछ सिस्टम ऐप्स में नया अपडेट आया, कुछ नया फीचर्स देखने को मिला है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 12.5 का सिस्टम ऐप्स में नया अपडेट है। नए अपडेट के साथ आपको कुछ नया फीचर भी देखने को मिला है जो कि आप MIUI 12 में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ आपको चाहिए एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 11 तो आपको जो है डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस आपको वही देखना है कि आप एंड्रॉयड 10 या 11, और मैं ये सब ऐप्स को बोके M2 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो, प्रो मैक्स, मी 11X ये सब मैं ट्राई कर चुका हूँ, तो मेरा इसमें वेल और परफेक्ट चल रहा है। रेडमी नोट 7 प्रो में भी ट्राई कर चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला जो ऐप है ये आपका सिक्योरिटी ऐप में तो मेजर चेंजेस देखने को मिला है जो कि आप उसको अनेबल कर सकते हैं आपको अपडेट करने के बाद। तो पहला तो है आपका गेम टर्बो, जिसका कि आपको वीडियो पहले ही मिल गया था, और आपका जो है सेकंड वो आपका वीडियो टूल बॉक्स। वीडियो टूल बॉक्स में आपको नया UI देखने को मिला है, तो बेसिकली दोनों ही रिवैम्प हुआ है। तो अगर आप वीडियो टूल बॉक्स को अनेबल करके कोई भी ऐप में अनेबल कीजिए तो आपको जो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपका रिसेंट ऐप्स जो है वो आपका ऐड कर दिया गया है वीडियो टूल बॉक्स में, जो कि अभी आप डायरेक्टली ऐप्स स्विच कर सकते हैं वीडियो टूल बॉक्स के थ्रू, जो कि एक अच्छा ऐड ऑन है और अच्छा फीचर है। मतलब ऑब्वियसली ये फीचर मिसिंग था जो कि ऐड कर दिया गया वीडियो टूल बॉक्स में। सिक्योरिटी आपको अपडेट करने से आपको ये मिल जाएगा। सेकंड जो है, अगर आपको बग फेस हो रहा होगा ये वॉल्यूम स्लाइडर में, जो कि आप मतलब देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ब्लर हो गया है, अगर आप वो ब्लर वाला इफेक्ट अनेबल किए थे कंट्रोल सेंटर में, तो ये जो अपडेट कर लीजिए अपडेट के थ्रू, आपका जो और स्मूथ हो जाएगा और आपका जो एनिमेशन है परफेक्टली काम करेगा। मतलब इसको अपडेट कर लीजिए, आपका जितने बग्स है कंट्रोल सेंटर और वॉल्यूम स्लाइडर में या वॉल्यूम कंट्रोल UI में तो है, वो आपका इस ऐप को अपडेट करने के थ्रू फिक्स हो जाएगा। तो इस ऐप का भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपका ये सिस्टम प्लगइन है जिसको आप अपडेट करने के बाद APK को आपका जो कंट्रोल सेंटर और आपका वॉल्यूम कंट्रोल UI या स्लाइडर जो भी है उसको भी आप दोनों आपका फिक्स हो जाएगा इस ऐप को अपडेट करने के बाद। तो इसको अपडेट कर लीजिए, आपका जो बग है वो फिक्स हो जाएगा इस ऐप के थ्रू। और लास्ट जो है वो आपका पैकेज इंस्टॉलर है। तो पैकेज इंस्टॉलर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बट अगर आपको अपडेट आया था तो आप अपडेट करना तो अपडेट कर सकते हैं। इसका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पैकेज इंस्टॉलर का, सिस्टम UI प्लगइन का, और आपको सिक्योरिटी ऐप, तीनों का ही लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं। नॉर्मल एज APK फाइल मैनेजर में चाहिए, बस सर्च कीजिए और अपडेट कर लीजिए, आपका अपडेट हो जाएगा ऐप, और बस फिर आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। देख सकते हैं कि पैकेज इंस्टॉलर को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, और आपको जो वो भी इंस्टॉलिंग में ही हेल्प करता है, मतलब वो आपका जो कोई भी साइड लोड अगर आप APK कर रहे हैं या APK आपका इंस्टॉल हो रहा है तो वही करता है। तो वो जो है अपडेट आया, तो आई गेस उसको अपडेट करना इंपॉर्टेंट है, तो जाइए उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बस यही था, तीन ऐप में अपडेट आया जो कि अगर आपको अपडेट करना तो अपडेट कर सकते, कुछ फीचर्स या बग आपका इस ऐप के थ्रू फिक्स हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे वीडियोस चाहिए आपको, और MIUI 12 और 13 से रिलेटेड कुछ न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स और थीम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब मारिए। चैनल को सब्सक्राइब मारने के बाद आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कोई भी कमेंट में कुछ भी पूछना है, सजेस्ट करना है, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नया वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मिलता हूं कल। तब तक चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी 40K तक पहुंचा देंगे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।